Let's move on to third scenario. A 56-year-old male with 15-year history of type 2 diabetes, 10 years of hypertension, hyperlipidemia and smoking, presents with 6 months of dizziness, lightheadedness when standing, palpitations, excessive sweating and occasional blurred vision. He also experienced periods of high blood pressure, particularly in the morning. On examination, his sitting blood pressure is 155 by 90, but drops to 110/70 upon standing, with an associate increase in heart rate from 82 to 105 beats per minute. He has elevated fasting glucose and dyslipidemia. ECG shows sinus tachycardia. Given these findings, what is the most likely diagnosis and how you manage this patient? And third scenario is for Professor Zahra Nazish. Madam. Okay, thank you very much. Again, my focus is on the postgraduate students. If there are postgraduates here, if they raise your hands, then I will know that I will be able उनसे ज़्यादा मैं उनको मुखातिब हूँ. तो इस सिनेरियो में आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं, पोस्चुरल डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, ये सब जो हो रही, दिस पेशेंट इज़ हैविंग पोस्चुरल हाइपरटेंशन, राइट? वी ऑल्सो कॉल इट ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन. और इसमें उन्होंने उसकी स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर और उसका सुपाइन ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स भी दे दी हैं, और एज बाय डेफिनेशन वो उसको फुलफिल कर रही हैं. सो वी कन्फर्म दैट दिस पेशेंट इज़ हैविंग ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन की क्या कॉजेज़ हैं. तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन के कॉजेज़ को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इनटू नॉन न्यूरोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक, राइट? तो इसमें से जो नॉन न्यूरोजेनिक है वो ज़्यादा कॉमन. एक्चुअली आवर नेक्स्ट केस इज रिलेटेड टू ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन. दिस इज बेसिकली वी वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट ऑटोनोमिक डिसफंक्शन. जी, मैं आई विल कम टू दैट, ठीक है? स्पेशल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, जब क्योंकि इस सिनेरियो में ना अभी हमें ड्रग्स नहीं दी हुई, हमें उसका क्रिएटिनिन लेवल नहीं दिया हुआ पेशेंट का. हो सकता है पेशेंट एनेमिक हो सकता है ये पेशेंट जो है वो डायुरेटिक्स ले रहा हो, वेजोडायलेटर्स ले रहा हो. तो हम जस्ट कॉजेज ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, क्योंकि आगे हमने मैनेजमेंट में भी हम इसको डिस्कस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, राइट? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्लू व्हिच आई थिंक दिस इज व्हाई. इसी पे मैं आना चाह रही हूं कि अब जो न्यूरोजेनिक कॉजेज हैं, लेकिन वो लेस कॉमन होती हैं, लेकिन उसमें उनकी मोर्टैलिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोजेनिक कॉज ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन. फिर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की बहुत कॉजेज हैं. अगेन उसको मुख्तसर करते हुए, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के साथ हो रही है, तो हम यही सोचेंगे कि इस पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है. और एक और क्ल्यू जो हमें मिल रहा है वो इसका ब्लड प्रेशर शूट अप भी कर रहा है, इसको लेबाइल हाइपरटेंशन हो रही है इसका. सो दिस मीन्स ओवरऑल इसको ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा है. आई वांट योर इनपुट इन दैट, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स व्हिच आर कमिंग टू द क्लिनिक विद अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ प्रेशर्स एंड समटाइम्स इवन हाई, and they do complain of these all symptoms and unfortunately don't take their blood pressure and heart rate with the background of this kind of diabetes and multi like risk factors. So when to think of this autonomic dysfunctions in these patients, for this purpose, and what to do in that situation? We'll go for all the tests, theek hai? Examination pe hum test karenge patient ke, examination pe autonomic dysfunction ke liye ek to ye hum postural drop dekhte hain patient ka, iske alawa kuch specific tests hain. Hum sinus arrhythmia dekhte hain ECG pe. We know that heart rate increases in inspiration and decreases in expiration, aur autonomic dysfunction mein the sinus arrhythmia disappears, right? पेशेंट को रेस्टिंग टैकीकार्डिया होता है, तो हम पेशेंट का 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम उसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर सकते हैं. फिर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, लाइक हम वेल सेल्वा मैन्यूवर कर सकते हैं, हम एक बेड टिल्टिंग टेस्ट है वो कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग टेस्ट. तो अगर समवन वांट्स, मैं उनकी डिटेल में भी जा सकती हूँ. तो डिफरेंट टेस्ट से हम सबसे पहले कन्फर्म करेंगे कि इस पेशेंट को रेयरली दिस पेशेंट इज़ हैविंग ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, राइट? Now we come to the management of this patient. ठीक है, अगर at the same time this patient is having episodes of very high blood pressure and on the other hand patient is having postural drop.
समटाइम्स दिस इज़ अ चैलेंज फॉर द ट्रीटिंग फिजिशियन. ठीक है, हमारे लिए चैलेंज होता है कि एक तरफ तो हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो हम उसकी एंटी हाइपरटेंसिव की डोजेस बढ़ाएंगे, तो अगर उसको जब पोस्टल ड्रॉप होगा तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाएगा तो पेशेंट कैन फॉल एंड पेशेंट कैन हैव इंजरीज एंड दिस इज़ अ लॉट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी. तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को माइल्ड और मॉडरेट ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन है तो उसके लिए जो डिफरेंट ट्रायल्स हैं लाइक स्प्रिंट ट्रायल जिसका भी पिछले भी बहुत सारी टॉक्स में जिक्र होता रहा, एक और ट्रायल दे हैव शोन दैट इंटेंसिव हाइपरटेंशन कंट्रोल विल रादर हैव अ गुड इफेक्ट ऑन ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन. मतलब आपने पेशेंट की ब्लड प्रेशर की ड्रग्स को रिड्यूस नहीं करना ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन के डर से, रादर इसमें क्या होगा कि जो अगर हम पेशेंट की ब्लड प्रेशर को डोजेस को कम करेंगे तो उसको जब सुपाइन हाइपरटेंशन होती है रात को उससे उसको नैट्रियूरेसिस होता है और नैट्रियूरेसिस की वजह से पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग उसको वॉल्यूम डिप्लीशन होती है और उसका पोस्टल ड्रॉप वर्सन हो जाता है. सो वन टेक अवे मैसेज इज दैट इफ पेशेंट इज हैविंग अ माइल्ड और मॉडरेट पोस्टल ड्रॉप और ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन तो स्टिल यू गो फॉर इंटेंसिव hypertension control which is a target blood pressure of less than 120 systolic, right? Lekin zyada challenge hame us waqt aata hai jab patient ko severe orthostatic hypertension hoti hai, right? Usme hum pe different measures hain jo hum karte hain, usme kuch non pharmacological measures hain, kuch pharmacological measures hain and of course humko bahut aggressively BP pulse monitor karna hai aur accordingly humne decisions karni hai. Ab non pharmacological measures mein kya hai uske liye hum patient ko kehte hain ki wo head elevate karke soye raat ko aur usko train karte hain ki wo ekdam rise up na kare apne lying posture se और इसी तरह उसका सॉल्ट इनटेक फ्लूइड इनटेक भी हम उसको हम टाइट्रेट करेंगे. ऑफ कोर्स कि सॉल्ट इनटेक बढ़ाने से उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा लेकिन हम उसको टाइट्रेट करेंगे अकॉर्डिंगली, उसको बहुत ज़्यादा सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं कहेंगे. इसी तरह इलास्टिक सपोर्ट स्टॉकिंग्स होती हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं, एब्डोमिनल बाइंडर्स होते हैं. तो ये तो कुछ है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स. इस तरह कुछ और भी हैं, कुछ रीसेंट अपडेट्स हैं लाइक हीट एप्लीकेशन और इसी तरह कोई पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, डिफरेंट वेज हैं टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बिकॉज दिस विल कॉज स्प्लैंकनिक एंड स्किन इंक्रीज द स्प्लैंकनिक एंड स्किन कैपेसिटेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट? थैंक यू वेरी मच. आई थिंक यस want to add, very sorry because we are running short of time. We'll include hypoglycemic episode, nocturnal hypoglycemia and somogy effect. I mean that can also be fasting hyperglycemia and tachycardia and everything. So fluctuation, yes, in sugar can also lead to this kind of situation, the autonomic dysfunction or variability in catecholamines. I have not talked about the effects of autonomic dysfunction on other systems of the body. Of course isme metabolic jo iske effects hain usme hypoglycemia unawareness ho jayegi, usko jo warning signs hain wo nahi aayenge, that's also very dangerous for the patient. Now we come to the pharmacological treatment of orthostatic hypertension. Usme kuch drugs hain jo dangerous bhi hain, usme ek alpha agonist hai midodrine, right? Lekin uske sath bahut black box warning hai ki this can also cause supine hypertension. इसी तरह एक नॉर एड्रीनलिन प्रिकर्सर है ड्रॉक्सीडोपा, वो भी यूज़ होती है. फिर ऑफ लेबल कुछ ड्रग्स हैं, पिरिडोस्टिगमीन है जो कि कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है. तो दीज आर डिफरेंट ड्रग्स एंड देन वी कैन आल्सो मॉडिफाई द एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट. लाइक हम उसको वेजोडायलेटर्स अवॉइड करें, डायुरेटिक ज़्यादा ना दें उसको. एस इनहिबिटर्स और ARBs फर्स्ट लाइन रहते हैं इस कंडीशन में. और कुछ शॉर्ट एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं जो कि हम रात को दे सकते हैं ताकि सुबह तक उनका इफेक्ट ना हो और जब पेशेंट वो सो के उठे तो उसकी ज़्यादा उसका पोस्टल ड्रॉप उसका ज़्यादा वर्स ना हो. मैडम थैंक यू, दैट इसका हीमोग्लोबिन A1C है 8.1 समथिंग. जी ये तो बता क्या आप जी. सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से इसकी जो है ना न्यूरोपैथी या डिहाइड्रेशन कंट्रोल कर सकती हैं? जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी इज प्रोग्रेसिव, राइट? बट स्टिल विद एडिक्वेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल वी कैन स्लो द प्रोग्रेशन. यस, एंड कैन यू यूज ग्लाइफोलोजिन इन दीस पीपल बिकॉज़ ऑलरेडी दे आर अ लिटिल डिहाइड्रेटेड. कैन वी यूज व्हाट ग्लाइफोलोजिन इम्पा और डैम्पा? यस yes, we can still use because of their renoprotective and cardioprotective effect. ये जो labile hypertension हो रही है इसको but they are dehydrated a little.
Dehydrated must be a transient phenomenon, not persist. 24 घंटे तो dehydrated नहीं रहेंगे. You have to take care of volume and everything to be euvolemic, to use your drug. Thank you very much, Dr. I don't think they cause so much dehydration. If you want to add on final something. बस final ये है कि this is important. जो take away मेरा message ये है कि अगर mild to moderate orthostatic hypertension है, तो आप उसमें अपना intensive hypertensive control को continue रखें. Thank you very much. So let's move on to scenario 4. बैरोसेप्टर 72 years old. फारूक साहब, बैरोसेप्टर इसमें अफेक्ट होते हैं ना सारे? जी जी बिल्कुल. ये तो ऑर्थोस्टेटिक ही है, तो उसमें ये भी डिस्कशन साथ चलेंगी. 72 years old वुमेन प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद कंप्लेंट्स ऑफ लाइट हेडनेस एंड डिजीनेस अपॉन स्टैंडिंग विच बिगिन 2 months अगो. शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन ट्रीटेड विद अ लो डोज थायजाइड डायरेटिक. अपॉन फिजिकल एग्जामिनेशन हर ब्लड प्रेशर इज 138/85.